हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के बारे में कि अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस आई है। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर टेक्स्ट बुक का जो रिपब्लिक डे ऑफर है ये कब एक्टिवेट होगा। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का इंतजार समाप्त हो चुका है और टेक्स्ट बुक की तरफ से लाया गया है गणतंत्र दिवस ऑफर सेल। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास है ये मिलता मात्र 179 रुपीज़ में, वहीं जो टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये मिलता मात्र 269 रुपीज़ में। लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस में पास को परचेज करने के लिए आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा, वो कूपन कोड है उमंग10। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पे rrbmumbai.gov.in। यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को सीएन डिटेल्स के बारे में बताया गया है जो कि आप लोगों का आरआरबी एएलपी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है वो है सीएन नंबर 1/2024 एएलपी के पोस्ट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे देखेंगे एक टाइटल दिया गया है, क्लिक हियर टू व्यू नोटिस सीएन 1/2024। ठीक है, एएलपी पोस्ट डेटेड 26 जनवरी 2024, यानी कि आज के पर्टिकुलर डेट में एक नोटिस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है। इस पर्टिकुलर लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक नोटिस ओपन होगा। ये आपके सामने वो ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई, डिविजनल रेलवे कंपाउंड ऑफिस मुंबई सेंट्रल, यानी कि ये उनका पर्टिकुलर एड्रेस है। सीएन नंबर 1/2024 असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ पब्लिश्ड सीएन 1/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी विथ 5,696 वैकेंसीज ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सीएन नंबर 1/2024 के तहत एएलपी का टोटल 5,696 पोस्ट की भर्ती जारी की गई थी। आगे देखते क्या कहना चाह रहा है। इन दिस रिगार्ड देयर आर सम मिसकंसेप्शंस अमंग द एस्पायरेंट एंड सम कोचिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे यह कहना चाह रहा है कि इसके संबंध में क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स के बीच में, साथ ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। ओके, आगे देखते हैं। इन दिस कनेक्शन द कोचिंग इंस्टीट्यूट हु आर कमिंग अंडर द आरआरबी मुंबई जुडिक्शन आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द ऑनलाइन मीटिंग विद द चेयरपर्सन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई ऑन 29 जनवरी 2024 एट दोपहर के 3 बजे। तो कहना यह चाह रहा है कि इस संबंध में जो भी टीचर्स हैं जो कि एक ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं आरआरबी मुंबई के जुडिक्शन में जितने भी कोचिंग्स आते हैं तो वो एक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। कब? 29 जनवरी 2024 को। जो मीटिंग कब होने वाला आप लोग का? तो दोपहर के 3 बजे होने वाला है। आगे क्या बताया गया है यहाँ पर देखिएगा, ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डिजायरिंग टू हैव ए टॉक विद चेयरमैन कैन गिव व्हाट्सएप मैसेज ऑन मोबाइल नंबर इतना। यानी कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं वो एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। किस पे? तो ये नंबर दिया गया व्हाट्सएप का 9004499042 ऑफ शोइंग देयर विलिंगनेस। यानी कि वो अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर मीटिंग में हम भी जैसे कि प्रेजेंट रहना चाहते हैं। ए लिंक विल बी शोन ऑन द वेबसाइट ओनली एट दोपहर के 1 बजे ऑन 29 जनवरी 2024। तो ये जो मीटिंग होगा इसका जो लिंक होगा ये 29 जनवरी 2024 को आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक डाल दिया जाएगा ताकि जिनको भी मीटिंग अटेंड करना हो वो मीटिंग को अटेंड कर सकें। और ये लिंक कब डाला जाएगा? तो ये दोपहर के 1 बजे डाला जाएगा। आगे यहाँ पे जानकारी दी गई है, देख सकते हैं हम लोग का चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई, डेट है आप लोग का 26 जनवरी 2024। तो ये जो पर्टिकुलर नोटिस जारी हुई है फ्रेंड, कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स ने जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करी है, कब से? तो जब से आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आपको पता होगा आप लोगों ने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया है। 20 को आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, 21 को किया, 22 को किया, उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने एक दिन का ब्रेक लिया 23 को, उसके बाद आप लोगों ने 24 को भी किया। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी है उसके जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, उनके तरफ से भी ट्वीट किया गया था। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या कुछ बातें रखी जानी चाहिए टीचर्स को, इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या टीचर्स को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, आप सभी स्टूडेंट लोग अपना ओपिनियन डिटेल में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है चाहे जितने भी टीचर्स हैं, हर किसी एक पर्टिकुलर टीचर को लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मैटर करती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स मैटर करते हैं, क्या आप सभी स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स की इच्छा शक्ति क्या है। तो इस पर्टिकुलर नोटिस के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स के जो भी ओपिनियन होगा आप सभी स्टूडेंट लोग हमें डिटेल में ज़रूर बताइएगा ताकि जितने भी टीचर्स हैं वो इस पर्टिकुलर नोटिस के बारे में आपस में एक मीटिंग कर सके और जो भी सभी टीचर्स का निष्कर्ष होगा वो आप सभी स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। तो आप सब लोग जो भी मुद्दा सभी टीचर्स के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, आप लोग अपने ओपिनियन को ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।